मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दरबार के दौरान एक मामले में गृह मंत्री को फोन लगाने को बोला। इस पर फोन लगाने वाला व्यक्ति चौंका और अपर गृह सचिव को फोन लगाने लगा, परंतु वो काफी कंफ्यूज दिखे। सीएम बार बार गृह मंत्री को इस तरह के फोन लगाने की बात कर रहे थे, जबकि नीतीश कुमार 2005 से ही मुख्यमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री भी लगातार है, जिसकी वजह से फोन लगाने वाला व्यक्ति काफी कंफ्यूज हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस तरह से भूलने की आदत पर पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह चुटकी लेते हुए कहा है कि जिस तरह का नजारा जनता दरबार में दिखाई दिया, जाहिर सी बात है ऐसे में मुख्यमंत्री खुद को सही से ये निर्णय नहीं करा पा रहे हैं। 15 साल से लगातार गृह मंत्रालय उनके पास रहने के बावजूद भी उन्होंने इस तरह का कंफ्यूजन कैसे क्रिएट किया। उन्होंने कहा कि ऐसे में बिहार की जनता अपने आप को क्या समझ पाएगी, जहां का मुख्यमंत्री ही शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है। धीरे धीरे वो सब कुछ भूलने लगे हैं। देखिए, वो जो वीडियो है उसको मैंने भी देखा है, और इससे बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश के लिए क्या होगा कि जहां के माननीय मुख्यमंत्री जी को ये पता ही नहीं है कि गृह मंत्री कौन है। भाई, नीतीश बाबू 2005 से जब से मुख्यमंत्री बने हैं बिहार के गृह मंत्री हैं, और उनकी मनसा थी जो फोन करने की, वो थी जो एस सिद्धार्थ जैसा वो बोल रहे हैं, जो अपर मुख्य सचिव गृह हैं, लेकिन उनको उनकी स्थिति जरा देखिए मानसिक क्या है कि अपने अपर मुख्य सचिव गृह को समझ रहे हो गृह मंत्री है। अब वहाँ जो बैठा हुआ है वो कह रहा है कि लगाते हैं मंत्री जी को, विजय चौधरी जी को, फिर कहते हैं थोड़ी इनको थोड़े लगाने के लिए मैं कहा हूँ, मैं तो उनको कहा हूँ, सिद्धार्थ जी की तरफ इशारा करके बोलते हैं। तो बताइए साहब, जहाँ का मुख्यमंत्री अब ये भी विभेद नहीं कर पा रहा है कि जो वहाँ बैठा है उनके जनता दरबार में वो अपर मुख्य सचिव है या गृह मंत्री है, उस बिहार को क्या कहिएगा। भगवान के भरोसे ही है ना बिहार, और इसी का नतीजा क्या है आज आप देख लीजिए, पूरे बिहार का स्थिति निकाल के देख लीजिए, पूरी तरह से जो कानून व्यवस्था है ध्वस्त है, अपराधियों को हौसला बिल्कुल सातवें आसमान पर है, जहां देखिए गोली मार दी जा रही है, उसके मन में किसी प्रकार का कानून का भय ही नहीं रह गया, वो बिल्कुल अपनी इच्छा के अनुसार अपराध कर रहा है। अब उसको भी पता है जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये हाल है तो उन पर कोई कंट्रोल है। आप याद करिए 2005 से 2010 तक यही मुख्यमंत्री थे, हम उनके साथ थे, क्या कानून व्यवस्था की स्थिति थी, अपराधी लोग घबराते थे बिहार में आने से, बाहर चले गए थे। आज क्या है, अपराधियों के लिए बिल्कुल स्वर्गीय बिहार स्वर्ग हो चुका है, और बिहार की जनता कहां जाए, किसके पास जाए, क्योंकि नीतीश बाबू के नियंत्रण में अब कुछ नहीं है। पूरा का पूरा प्रशासन का, जिसको मैं कई बार बोल चुका हूँ, इकबाल समाप्त हो चुका है, सरकार का हनक समाप्त हो गया है। ऐसे में क्या होगा, अपराधी लोग खुले अपराध करने, और ये किसी भी स्थिति में बिहार के लिए अच्छा नहीं।